देवीना एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द हैप्पीनेस कॉकटेल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइज, आज मैं गई थी डी मार्ट और वहाँ से कुछ शॉपिंग करी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ लिया है मैंने, जो कि मुझे मतलब कॉमन जो शॉप है वहाँ नहीं मिल रही थी, या मिल भी रही थी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो जब मैं डी मार्ट गई, ओ माई गॉड, मतलब मुझे मज़ा ही कुछ और आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये कुछ अनहेल्दी वे में भी रहेंगे कुछ चीज़ लोगों के लिए, बट ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग के घर में अब कभी कभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो उनको देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिए लिया है। सो या एक्सक्यूज दैट पार्ट, बट या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आई एम देवीना, आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रैवल लाइफ स्टाइल, मॉम ब्लॉगर भी हूँ मैं और 9 to 5 जॉब फ्रीलेंसिंग थिंग, ये सारी चीज़ मैं करती हूँ। सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन ऑन द फैमिली। टॉय है ये, चीनू का टॉय है मेरा बेटा, उसको ये पसंद आया था तो वो पकड़ा ही हुआ था से, तो मैंने ये ले लिया। इसका कॉस्ट है 99 rupees का है ये, 100 rupees का काफ़ी सही मिल गया है, फिर काफ़ी क्यूट सा है ये। सो या एंड देन वी हैव नेक्स्ट स्टफ इज दिस धूप, ये विपिन ने लिया है धूप। और उसके बाद ये मिक्सर, ये मैं बोल रही थी लॉन्ग सेव जो है ना, ये पोहा के ऊपर ये ऐसा कुछ भी डाल के खा लो तो बहुत सही लगता है, मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये लिया है। और उसके बाद हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था 40 rupees का, और भी कम मिला है मुझे, तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड। और नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस वन, ये कभी कभी भूख लगता है तो, और मैं हमेशा अपने बैग में रखे रहती हूँ कहीं जा रहे हैं या भूख, तो हमेशा मेरे दिवान के एक बैग में रहेगा तो भूख लगने से कुछ खाने का। और ये डेयरी मिल्क ले आए, कभी कभी घर में बच्चे आ जाते हैं और उनको देने के लिए कुछ नहीं होता तो उसके लिए लिया है, या कभी किसी के लिए, या कभी कुछ भी खाना हुआ तो उसके लिए मैंने लिया है। और ये बैटरी हमारे घर में बहुत ज़्यादा भी यूज़ होता है क्योंकि दिवान के बहुत सारे टॉयज़ में बैटरी लगती है, तो उसके लिए हम लोग पैकेट पैकेट ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो और उसके बाद ये लिया गया है 2 नारियल, क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें चटनी, और नॉर्मली हम लोग कोकोनट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए हम लोगों ने कोकोनट लिया है। एंड देन नेक्स्ट स्टफ इज़ दिस वन, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, चावल है, ओके, ये राइस है, राइस, ओके। एंड देन ये है, ये हम लोग यही वाला साबुन यूज़ करते हैं, बहुत ही सही है, आयुर्वेदिक पे है ये, 80 rupees का, इसमें ऑफर में कुछ मिला होगा, आई डोंट नो। और देवांग का बॉटल धोने के लिए ये। सो नेक्स्ट वन हम लोगों ने ये चाय पत्ती लिया, इसका बहुत बड़ा पैकेट है, हमारे घर में दिन में 2 बार चाय बनता है तो या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय तो। और फिर उसके बाद फिर से आ गया धूप, नेक्स्ट विपिन ने लिया है, फिर से ये आ गया है सोप, काफ़ी सही है ये, एकदम नेचुरल है, खादी का है ना, या खादी का है। फिर चॉकलेट आया है और एक और, ये मैं बताई ना, ये हमेशा रखती हूँ मैं अपने बैग में, फिर से एक और चॉकलेट। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वर्सेस, और ये मैंने अपने टी टेबल के लिए लिया हुआ है, वहाँ डी मार्ट में बहुत सही ऑप्शन है, पर मैं प्लेन सर्च कर रही थी, प्लेन नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया, इसमें गोल्डन ऐसा बना हुआ है और मुझे ये काफ़ी सही लगा। और इसका प्राइस भी थोड़ा कम ही है, मतलब इतना महंगा नहीं है, और देवांग थोड़ा खींचते रहता है, 219 rupees का देवांग खींचता रहता है, देवांग ने हमारा पहले वाला जो था उसको पूरा फाड़ दिया, तो ये लिया। ये देखो कब तक चलता है, बच्चा घर में रहने से बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती है तो या। और इसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, कुशन है मेरे पास 2 और उसके कवर ही नहीं मिल रहे थे, मतलब ऐसा होता है कि 4 या 6 के सेट में मिलता है पर 2 कुशन कवर कोई नहीं दे रहा था मुझे, तो ये मैंने 2 लिया है, काफ़ी सही है। थोड़ा ये कॉस्टली लगा मुझे, नहीं 150 rupees का, ओके, ये 150 मेरे को 170 लग रहा था, ठीक है। तो ये मैंने ये 2 लिया, काफ़ी वाइब्रेंट कलर हैं और 2 कुशन है मेरे पास, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये नेक्स्ट थिंग है, ये 129 का मिला है, ये जैसे आप कहीं पर कुछ भी, आपको जैसे फ्रिज का रैक हो, कोई भी रैक हो उसमें आप इसको बिछा लो, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बिछा सकते हो, तो उससे क्या है वो हिलेगा नहीं सामान, और अच्छा भी दिखेगा और साफ़ भी हो जाएगा, तो ये रियूजेबल भी होता है, तो काफ़ी सही। मैंने ये पूरा पैकेट ले लिया है क्योंकि मेरा घर अब थोड़ा अच्छा हो गया है, तो उसके लिए ये थोड़ा अच्छी चीज़ें इन्वेस्ट करना अच्छा ही है। और उसके बाद हम लोगों ने टॉवल लिया है, ये काफ़ी चीप में पड़ गया, 150 rupees का है टॉवल, तो ये क्या है, ट्रैवल में कहीं जा रहे हो ना तो इसको डालो, या कभी दिन भर का भी हम लोग का ट्रिप होता है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। बड़ा वाला जो टॉवल है वो हम लोग प्रेफर नहीं करते ले जाना, सूखता भी नहीं है कहीं जाओ तो जैसे ये हो गया ट्रैवलिंग है किसी के घर या कहीं आसपास जा रहे हैं तो उसके लिए बैग में डाल लो एंड यू आर गुड टू गो, तो काफ़ी सही कलर लगा मुझे ये। और एक ये 2 ले लिया मैंने, मतलब एक्स्ट्रा कभी काम आएगा यार, कोई गेस्ट आता है उसके लिए फ्रेश टॉवल रहना ना, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, बहुत प्यारा कलर है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने लिया है। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन टी, तुलसी,
टी कंट्री का ग्रीन टी है ये, काफ़ी ऑफर में कुछ चल रहा था तो मुझे सस्ता में मिल गया, 130 का है तो और भी कम प्राइस में मिला है। कभी कभी कुछ गर्म गर्म काम करते करते कभी कभी कुछ गर्म गर्म पी लो तो अच्छा लगता है उसके लिए। और नेक्स्ट अप वी हैव दो सरसों तेल। हमारे घर में रिफाइन ऑयल यूज़ नहीं होता है, सरसों तेल, कोकोनट ऑयल और फिर ग्राउंड नट ऑयल ये सारी चीज़ें यूज़ होती है नेचुरल वाले एकदम। रिफाइंड ऑयल हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते, हमारे घर में बिल्कुल नहीं आता। घी अगर हम लोग को पूड़ी भी बनाना होता है तब भी उसी तेल में बनता है, महंगे वाले तेल से। सो या दैट इज़ वॉट दैट इज़ बिपिन का है ये सब चीज़, तो उसमें मैं भी फॉलो करती हूँ। तो एक मैंने दिया लगाती हूँ सरसों तेल से और एक खाने के लिए लिया है, दैट इज़ वाइट टू। काफ़ी अच्छा रहता है, सरसों तेल हम लोग का फेवरेट है, हम लोग सरसों तेल ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और नारियल तेल से तो मैं देवांगिया मालिश भी करने लग गई हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करती और ये कोकोनट ऑयल। एंड नेक्स्ट अप वी हैव इज़ दिस पार्ले जी का स्टेशन। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यार एक बार ले लो फिर डब्बे में भर के रख देती हूँ, तो देवांग का भी कुछ खाता नहीं है तो उसको एक पार्ले जी पकड़ा देती हूँ, तो उससे वो अपना पार्ले जी से खेलता रहता है या खाता है और फिर मैं उसे फिर खाना खिला देती हूँ, तो उसके लिए ही मैंने ये लिया है मेनली। और पार्ले जी थोड़ा अच्छा ही होता है बिस्किट में तो इसलिए मैंने ये लिया है। एंड देन वी हैव दिस टूथब्रश, हम लोग यही वाला ब्रश यूज़ करते हैं तो उसके लिए। और उसके बाद रेड जेल का ये क्या पेस्ट है, टूथपेस्ट आई थिंक। ओह मैंने एक ये टी शर्ट भी लिया है देवांग के लिए, ये कितने का था, 150 रुपये का है, तो काफ़ी क्यूट सा मुझे लगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसा वाला उसके पास ऐसा टी है ही नहीं कॉलर वाला, तो मैंने इसलिए लिया है उसके लिए, काफ़ी सही लगा मुझे। और ये चीप भी है तो उसके कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं बच्चों के, तो 18 to 24 months लेती हूँ मैं उसके लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव दिस टू बिस्किट्स हियर, ये वही अपना कभी आए उसके लिए है, ये दोनों उसी के लिए, एटलीस्ट मैं रख दूँगी इसे क्योंकि कभी कोई आए तो चाय के साथ कुछ दे दो तो अच्छा लगता है, अगर क्योंकि मैं अब उस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं कुछ बना के दूँ, समोसा तो नहीं, फिर कुछ भी बड़ा हो गया या कुछ भी मैं बना नहीं सकती हूँ यार सही में, तो मेरी हौसल पर वैसे रहती है अगर कोई आना चाहे तो, बट स्टिल कभी वो नहीं रहे तो उसके लिए मैंने ले लिया है, सॉर्टेड हूँ मैं। So yeah, that was my mini DMart haul. I hope you guys found this video enjoyable. और जाना DMart, हमारे रायपुर में 2-3 DMart हैं तो सबके सिटी में तो हो गई, इट्स वेरी नाइस। Yeah, I'll see you on my next video. Who's new tracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.